कनाडा कब से ओपन हो रहा है विजिटर्स के लिए, कौन जा सकता है और कौन नहीं, क्या ट्रेवल गाइडलाइंस है, जानिए इस वीडियो में पूरी जानकारी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल योर ट्रेवल बडी। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप कनाडा जाने का सोच रहे हैं तो आप 31 अक्टूबर तक कनाडा नहीं जा सकते। जो कंडीशन अभी 30 सितंबर तक थी, अब उसको एक्सटेंड करके 31 अक्टूबर तक कर दिया गया। ये वर्ल्ड वाइड जो कोरोना के केसेस फैल रहे हैं, इसकी वजह से कैनेडियन गवर्नमेंट ने 31 अक्टूबर तक क्लोज रखने का डिसीजन लिया है। हालांकि आप वंदे भारत मिशन के थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन वही लोग ट्रैवल कर सकते हैं जिनके पास में कनाडा का पीआर है, या फिर उनका कोई बहुत ही खास रिलेशन है, अपने उनकी वाइफ या हस्बैंड वहां पर हैं, तब आप कनाडा जा सकते हैं। या आपका कोई मेडिकल इशू है या फिर वो जा सकते हैं, या फिर आपको कोरोना ट्रीटमेंट के लिए वहाँ से इन्विटेशन आया है, एज अ डॉक्टर अगर आप हैं और आपको वहाँ से इनविटेशन आया है हेल्थ डिपार्टमेंट से, तब आप जा सकते हैं। या फिर आपको कोई और तरीके का कोई आपको वर्क परमिट मिला है वहाँ, तो आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप घूमने के पर्पज़ से या फिर फ्रेंड वगैरह से मिलने के लिए जाना चाहते हैं, तो आप कनाडा 31 अक्टूबर तक नहीं जा सकते। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास में पीआर है या जो भी कंडीशन मैंने आपको बताई, उस कंडीशन के तहत अगर आप कनाडा में ट्रेवल भी करते हैं, तो आपको अराइवल के बाद में 14 डेज़ के लिए होम क्वारंटाइन होना पड़ेगा। होम क्वारंटाइन सिर्फ उन्हें नहीं होना पड़ेगा जो लोग अपना ट्रीटमेंट के लिए कनाडा जा रहे हैं, या फिर उन्हें जॉब के लिए वहाँ पर बुलाया गया है, या फिर अपना कोरोना के जो डॉक्टर्स हैं उनका कॉन्ट्रीब्यूशन वहाँ पर है, तो उन्हें वहाँ पर नहीं होना पड़ेगा क्वारंटाइन। बाकी अगर आपके पास पीआर है या फिर आपका हस्बैंड या वाइफ वहाँ पर जॉब करते हैं, आपका उनका पीआर है या कुछ ऐसा है, तब आपको क्वारंटाइन होना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसको लाइक कर देना, उनके साथ में शेयर करना जो कनाडा जाना चाहते हैं और जाने का सोच रहे हैं। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।